पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी राधा के जन्म के बारे में एक कहानी वर्णित है। राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने से पहले देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर जन्म लेने से झिझक रही थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पृथ्वी पर प्रकट नहीं होना चाहती थीं, जबकि विष्णु अभी भी वैकुंठ लोक में थे। आखिरकार वह इस शर्त पर सहमत हुई कि अपने जन्म के बाद वह पहली बार अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब कृष्ण उनके सामने आएंगे। विष्णु ने यह शर्त मान ली। उनके पृथ्वी पर अवतरित होने के दिन को राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा की कोई संतान नहीं थी। वे एक बच्ची की कामना करते थे। भाद्र माह में अर्धचंद्र पर वृषभानु महाराज दोपहर के समय स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गए। उसी समय उन्होंने पानी पर तैरता हुआ एक विशाल कमल देखा, जिसकी सुनहरी आभा हजारों सूर्यों के समान चमक रही थी। जब वृषभानु कमल के करीब गए तो उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के भीतर लेटी हुई एक बच्ची का सबसे सुंदर और उज्ज्वल रूप देखा। वृषभानु बच्ची को देखकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया। अपने पति के आगमन और छोटी दिव्य देवी राधा रानी से मिलने पर कीर्तिदा आश्चर्यचकित रह गई। वह बच्ची शरद ऋतु के लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रही थी। उसे देखकर और पकड़कर वह बहुत खुश और रोमांचित हुई। वह सभी प्रकार के वैदिक धार्मिक संस्कारों की व्यवस्था करने लगी और पुजारियों, ब्राह्मणों और अन्य लोगों को हजारों गायें दान करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने देखा कि राधा अपनी आंखें नहीं खोल रही है। वृषभानु और उनकी पत्नी को डर था कि उनकी बच्ची शायद जन्म से ही अंधी है। उस समय नारद मुनि प्रकट हुए और उन्हें एक भव्य जन्म उत्सव की व्यवस्था करने और रावल और गोकुल के सभी निवासियों और विशेष रूप से अपने प्रिय मित्र नंद महाराजा और उनके परिवार को निमंत्रण भेजने की सलाह दी। उत्सव के दिन मेहमान इकट्ठे हुए और सभी बहुत खुश थे। नंद महाराज कृष्ण के पिता, यशोदा कृष्ण की मां और रोहिणी बलराम की मां भी छोटे कृष्ण और बलराम के साथ पहुंचे। यशोदा अपनी सबसे अच्छी दोस्त कीर्तिदा से मिली और उसे इतनी सुंदर बच्ची होने पर बधाई दी। इस बीच शिशु कृष्ण अपने हाथों और घुटनों के बल आंगन में रेंग रहे थे। वह रेंगते हुए उस खाट के पास गया जिस पर राधिका लेटी हुई थी और उसने खुद को ऊपर खींच लिया और अंदर देखा और उसकी नजर नन्ही राधिका के खूबसूरत चांद जैसे चेहरे पर पड़ी। छोटी राधा ने कृष्ण विष्णु के दिव्य शरीर की दिव्य विदेशी सुगंध को महसूस किया। कृष्ण बच्चे को छूने के लिए उत्सुक थे। राधा ने तुरंत पहली बार अपनी कमल पंखुड़ियों जैसी आंखें खोली। उसने सीधे कृष्ण की ओर देखा। वह पहला व्यक्ति था जिसे शिशु राधा ने पृथ्वी पर देखा था। एक वर्षीय कृष्णा ने बच्ची राधिका को प्यार से देखा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी रोने लगी और पहली बार आवाज लगाई। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस संसार में कुछ भी नहीं देखना चाहती थी, केवल श्री कृष्ण का स्वरूप ही देखना चाहती थी। वृषभानु और कीर्तिदा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी प्यारी बेटी राधिका अंधी नहीं थी। हर कोई खुश था। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।